Hello everyone, this is Japaneer Sharma. Welcome back to my channel. I hope you guys are fine and safe. First of all, I'm really sorry for being late. काफ़ी late है, prediction इस बार 23rd की. I know कल को exam है कुछ students का, but due to some reasons, जैसे कि मैंने आपको बताया कि we have started new PTE batches and IELTS batches अभी 18th और 21st को start हुए थे, आपको पता है. And अभी next week एक और batch start करने वाले हैं probably. So that's why थोड़ा नोट्स वगैरह बनाने में या फिर टास्क वगैरह चेकिंग में या फिर क्लासेस में अभी मैं जस्ट फिनिश करके आता हूँ और दैट्स वाई क्या है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है काम. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी क्लियर वन थिंग. इफ यू आर थिंकिंग कि आपका जो एग्ज़ाम है जो मैंने बोला है कि 100% वही होगा है ना, तो दैट इज़ नॉट द केस. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन से 95% चांसेस रहते हैं कि प्रेडिक्शन गेट्स ट्रू. जैसे अभी मैं कल की ही बात बताऊँ आपको, मैंने टॉपिक भी बताया था कि स्पेस पे आ सकता है. मैंने तीन टॉपिक्स बताए थे और स्पेस पे जैसे था है ना, और वो चीज़ हमने जैसे स्टूडेंट्स को भी पहले करवाई, मैप की सभी जो वोकैबुलरी एंड ऑल है ना वो करवा के हटे पहले, क्योंकि वो लगता है कि भाई ये चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है. दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिक्शन. प्रीवियस एग्जाम्स जो भी हुए हैं उनको अगर थोड़ा माइंड में रखें हाँ कि ये चीज़ें आई हैं तो भी चांसेस इन चीज़ों के है ना. सो दैट्स वाई दिस इज जस्ट अ गेस वर्क. प्रेडिक्शन इज सेकेंडरी, प्रेपरेशन इज प्राइमरी. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल देन डेफिनेटली इट इज ईजी टू स्कोर. सो लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग फर्स्ट. दिस इज अकेडमिक, चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं कि लिसनिंग ईजी आएगी इस बार. अभी कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये ईजी या ईजी मॉडरेट रहता मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यार देखो जैसा लगता है कि ये चीज़ आ सकती है तो मैं वैसा ही बताऊंगा. मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि भाई सुपर हार्ड आएगा एंड ऑल दैट, ऐसा होता भी नहीं है. आपको भी पता है रीडिंग मैंने कल इजी मॉडरेट बताई थी कल के लिए, और आपको भी पता है कि मॉर्निंग वाले में इजी मॉडरेट थी, शाम वाले में थोड़ा ईजी था, डिफ़िकल्ट इतनी नहीं थी. तो लिसनिंग की बात कर रहे थे, लिसनिंग के चांसेस हाई हैं कि वो ईजी आएगी एंड हो सकता है मैप आए लास्ट सेक्शन में प्रॉबेबली. बाकी एमसीक्यू का जो सेक्शन है आपको नॉर्मल रहेगा 15 से 18 तक का. एंड इफ वी टॉक अबाउट रीडिंग तो चांसेस हैं कि भाई इजी मॉडरेट रहेगी. इजी मॉडरेट इन द सेंस जैसे मैंने कल का इजी बताया था 21st का है ना, तो इसका लेवल इजी मॉडरेट हो सकता है, मतलब लेवल इसका थोड़ा मीडियम रह सकता है जैसे स्टैंडर्ड लेवल होता है ना. कभी कभी तो काफ़ी ईजी आ जाती है जो आप कैम्ब्रिज की करते हो उसके रिलेटेड आ जाती है, ठीक है. अदरवाइज क्या है कि स्टैंडर्ड लेवल इसका इजी मॉडरेट है जो रहता है, तो उसके आने के चांसेस हैं. क्योंकि एक तो चलो एकेडमिक है आपको भी पता है ना, और दूसरा थोड़ा एंड में एग्ज़ाम है तो इजी मॉडरेट रखेंगे. अगर यही एग्ज़ाम बिल्कुल स्टार्टिंग में होता, सिर्फ एकेडमिक होता, तो चांसेस हाई रहते हैं कि काफ़ी ईजी आती. अब आप बोलोगे कि ये क्या लॉजिक है, तो भाई ये अपने लॉजिक हैं और ज़्यादातर टाइम ये सही रहते हैं, आपको भी पता है, ठीक है. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. एक तो देखो माइंड को प्रिपेयर करना अपना काफ़ी इम्पॉर्टेंट टास्क है ना, ठीक है. बाकी प्रेपरेशन आपकी चलती रहती है, बट कभी कभी एक स्टूडेंट अंडर परफॉर्म कर जाता है वहाँ पे जाके, तो अपने माइंड को सेट करना मतलब काफ़ी मुश्किल टास्क है. बंदे का जो दिमाग है ना भाई, उसको अगर पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे तो इतना बढ़िया चलेगा ना, मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे. अगर कहीं पे वो थोड़ा स्ट्रेस ले जाए या नेगेटिव हो जाए तो फिर जो जो भी चीज़ आप करोगे वो आप थोड़ा नेगेटिव उसमें वाइब आएगी. सो वट एवर द सिचुएशन इज ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड नर्वस नहीं होना, अंडर परफॉर्म नहीं करना. टास्क वन की अगर बात करें तो बार, लाइन या प्रोबेबली प्रोसेस, इन तीनों में से आने के चांसेस है टास्क वन में. बाकी भी रेडी करना है, ऐसा नहीं कि भाई आप छोड़ दो, नहीं बाकी भी गो थ्रू करो, लेकिन ये तीन अपने थोड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लो, चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इनमें से आए. टास्क टू का जॉब्स के रिलेटेड हो सकते हैं तो टॉपिक, दूसरा एजुकेशन एंड तीसरा हेल्थ प्रॉबेबली, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा थोड़ी आती हैं. तो मैंने ये तीनों के ऊपर आपको बोला कि ये इन तीन के थोड़े टॉपिक्स रेडी कर लेना, आइडियाज़ रेडी कर लेना, क्योंकि देखो आपको भी पता, चाहे आपके पास 10 टास्क है जॉब के रिलेटेड है तो उनमें से कम 6 या 7 के जो आइडियाज़ है वो सेम रहेंगे, ठीक है. अगर टाइप की बात करें तो अग्री और डिसअग्री या फिर डिस्कस बोथ, इन दोनों में से किसी एक के चांसेस हैं. सो बी प्रिपेयर, आई होप यू विल स्कोर बेटर, आई होप यू विल परफॉर्म वेल एंड ऑल द बेस्ट. स्टे मोटिवेटेड, कीप योर चिन अप. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू कॉन्टेंट. थैंक यू.